हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग सभी जानते हैं कि वेडिंग सीजन और फेस्टिवल सीजन आ गई है और इसमें हम लोगों को चाहिए होता है कि हमारी स्किन काफी ज्यादा हेल्दी दिखे, ग्लोइंग दिखे, क्रिस्टल क्लियर दिखे। तो इसलिए मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ एक ऐसा लग्जरियट पैकेट फेशियल किट। जैसे कि हम लोग ये सीजन वगैरह में हम क्या करते हैं, बाहर जाकर पार्लर वगैरह में अपनी फेस के फेशियल करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारा तो एक अमाउंट भी बहुत ज्यादा लग जाता है, जिससे आपको टाइम भी बहुत देने को पड़ता है। इसलिए मैं ये सब चीजों को साइड में रख कर, इससे आपके टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी काफी कम बचेगा और काफी कम वक्त में आप एक हेल्दी ग्लो एक अपने स्किन को पा सकते हैं, वो भी घर बैठे ही। सबसे अच्छी बात है, तो चलिए आइए देख लेते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट है, वो क्या फेशियल किट है। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे मेक श्योर न्यू आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन इसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो या ये है ये फेशियल किट, आप देख सकते हैं ये है वॉ स्किन साइंस का उत्तम लग्जरियट किट। सो ये है इसकी पैकेजिंग एंड इसके सारे इन्फॉर्मेशन आपको बैक साइड में मिल जाएंगे, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। एंड इसके इस किट की प्राइस है 1446 रुपीज या गाइस। एंड इस किट में हमें चार प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, वो क्या प्रोडक्ट होती है वो मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। सो लुक एट दिस, ये चार प्रोडक्ट हमें रिसीव होती है। एंड जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है फेस वॉश, जो फर्स्ट होता है। देन हमारा आता है स्क्रब, ये है दूसरा प्रोडक्ट वॉइस की साइंस का। देन हमारा तीसरा प्रोडक्ट आता है ये ओपटन मास्क, ये। एंड देन लास्ट है ये वॉ सनस्क्रीन फेस सीरम। लुक एट दिस पैकेजिंग। एंड देन इसके साथ हमें मिलती है कि ये फेस पैक ब्रश, जिसकी हेल्प से हम अपने फेस में फेस पैक को यूज कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी। सो जो चलिए देख लेते हैं, मैं इनको आपके साथ पूरे डेमो के साथ मैं आप लोगों संग शेयर कर रही हूँ, तो ये डेमो वीडियो भी आप लोग देख लेना। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही फेस वॉश, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो अपने फेस को मैंने गीला कर लिया एंड देन हल्का सा मैंने जैसे कैप ओपन किया, ये मुझे फेस वॉश दिखा। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, काफी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। एंड इसको बस मैं जेंटली, जैसे फेस वॉश की जाती है वैसे मैं करूंगी। एंड इसकी स्मेल, ओह माय गॉड, नाइस स्मेल रियली गाइस, ये इसकी स्मेल काफी अच्छी है, ओपटन वाली लग रही है। बस सर्कुलर मोशन में मैं इस तरीके से फेस वॉश करती रहूंगी जेंटली, एक मिनट तक बहुत है, इस तरीके से मैं करती रहूंगी एंड देन मैं वॉश करके आती हूँ। हो गई है मेरी फेस वॉश। बस मैं अब फेस वॉश करके आती हूँ एंड देन सेकेंड स्टेप है ये स्क्रब। सो लुक एट दिस, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। एंड मैंने इधर से लिया है अपने गीले फेस में ही, मैं स्क्रब ले रही हूँ, काफी अच्छी इसकी स्पेस में, सेम फेस वॉश की तरह। एंड खास कर आप टी जोन पे फोकस देते हुए अच्छी तरीके से नोज के एरिया, ये चीन में अच्छी तरीके से फॉरहेड में, बस सर्कुलर मोशन में करती रहो 2 मिनट मैक्सिमम, ताकि डेड सेल हमारी स्किन से रिमूव हो जाए और ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी ना हो। काफी सॉफ्ट पार्टिकल है, इतनी हार्श भी नहीं है कि हमारे फेस में ये इरिटेट करे। स्क्रब कर लिया, सो सी द रिजल्ट, काफी मेरा स्किन से डेड सेल एंड ब्लैक हेड्स की भी प्रॉब्लम जो था हमारे यहाँ व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, वो भी मुझे काफी हद तक रिमूव दिख रही है, काफी ज्यादा सॉफ्ट हो रही है, सॉफ्ट एंड सफल मेरी स्किन हो रही है। देन हमारा थर्ड स्टेप है ये बॉडी एंड फेस पैक। सो एंड इसको ट्राई करने के लिए हमारे पास ये ब्रश है,
जो कि मैं यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि मैं इससे लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं फिंगर डिप करके लगाना ठीक लगता है मुझे। सो देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी वाइट कलर की है ये एंड इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, लुक एट दिस। सो अब मैं अच्छे तरीके से अपने फेस में इसको अप्लाई करूँगी अपर मोशन में। आई एरिया को वाइट करना गाइस, क्योंकि हमें आई एरिया तक फेस मास्क को नहीं लगाना है, कोई भी मास्क हो आपको आई एरिया में नहीं लगाना होता है, बस अपने अच्छी तरीके से फेस में लगा लो इसको। सो अब इसको ड्राई होने के लिए हम 10 to 15 मिनट इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं फिर इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो मेरा ये फेस पैक रिमूव हो चुका है एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर दिख रही है, बहुत ज़्यादा ग्लो भी कर रही है मेरी स्किन, लुक एट माई फेस। एंड देन जो लास्ट बचा है स्टेप मतलब नॉट टेस्ट वो है वाउस स्किन साइंस का सनस्क्रीन फेस सीरम, ये है लुक एट दिस पैकेजिंग एंड मैं इसको लगाती हूँ कि कैसा है इसका। सो ये फोर्थ स्टेप है हमारा, सो मैं यहाँ पे वन ड्रॉप ले रही हूँ, ओनली वन ड्रॉप आप देख सकते हैं। सो अब मैं इसको अपने फेस में अप्लाई करूंगी। ओह माय गॉड, दिस लुक्स वेरी नाइस, काफी अच्छा स्मेल है, ऑसम। एंड देन अब मेरे फेस देखो, ये जो मैंने क्रीम लगाई ये मैट फिनिश है, जैसे कि उसने खुद भी लिखा था कि ये मैट फिनिश है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लिखी हुई है नीचे मैट फिनिश, तो मुझे काफ़ी मैट फिनिश दिया है मेरे फेस में आप देख सकते हैं। सो मुझे ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा लगा एंड ये जितने भी मेरे स्टेप मैंने किए ये मुझे किट बहुत ही प्यारा लगा और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस अपने फेस में मुझे दिख रहा है। तो मेरा ये वॉ स्किन साइंस का लग्जेरियर उपटन किट फेशियल का डेमो वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, सो टेट एंड बाय।